हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको दो ऐसी बहुत ही खास चीजें बताने जा रही हूँ। खास इसलिए है कि वो हमारे शरीर पर काफी अच्छे से असर करती हैं और बहुत ही साधारण सी हैं, क्योंकि बहुत आम ही हमें मार्केट से मिल जाती हैं। इन दो रेमेडीज को अगर आप फॉलो करते हो, एक तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को औषधि के तौर पर लेना है और एक को आपने अपने नाश्ते में लेना है। ये दोनों ही चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया और 11 से 12 दिन रोजाना खा लिया तो दोस्तों आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। पेट के रोग है, मोटापा है, अर्थराइटिस की समस्या है या दिल से जुड़ी समस्याएं हैं तो दोस्तों ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही बढ़िया है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। दोस्तों अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो पहली रेमेडी जो कि औषधि है, इसको औषधि के तौर पर ही लिया जाएगा। दोस्तों इसमें इस्तेमाल हो रहा है पहले तो आधा चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच पंपकिन सीड। दोस्तों इसका सेवन करने से क्या होता है ये बता देती हूँ, बाद में बताऊंगी कि इस्तेमाल करना कैसे है। इसका अगर आप सेवन नियमित तौर पर करते हैं तो सबसे पहले तो इसके कोई नुकसान नहीं है। सभी लोग बहुत आराम से इसका सेवन भिगोकर या वैसे कर सकते हैं। सर्दियों में वैसे भी किया जाता है पाउडर के रूप में मेथी दाना, या फिर कैसे भी आपको बता दूंगी। लेकिन आप इसका सेवन करते हैं तो क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, आपको दिल से संबंधित समस्याओं से बचा कर रखता है। दोस्तों इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती है, तो इन सभी बीमारियों को ये होम रेमेडी दूर करती है। दोस्तों इस होम रेमेडी को आप एक महीना जरूर ट्राई कीजिएगा। ये खून को साफ करती है। खून गंदा होने के कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि घुटनों का दर्द होना, स्ट्रेस होना, आंखों की बीमारियां होना, नसों में ब्लॉकेज आ जाना या फिर बवासीर की प्रॉब्लम हो जाना, बालों का झड़ना, स्किन में एलर्जी हो जाना, ज्वाइंट पेन होना, शरीर में दर्द होना, चेहरा भी अगर पिंपल आने लगे या हार्मोनल डिसऑर्डर होने लगे, ये समस्या भी गंदे खून के शरीर में बढ़ने के कारण आती है। साथ ही साथ दोस्तों ये पेट की गंदगी को भी साफ कर देंगी। दोनों की दोनों चीजें, जिनका पाचन तंत्र कमजोर रहता है, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बन जाती है, सीने में दर्द होने लगता है, जिनको भी ज्यादा मोटापा है, तो ये सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों हमें हेल्दी फूड खाना बहुत ही जरूरी है, इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। दोस्तों इस होम रेमेडी से आपका जो मोटापा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो आंखें भी ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं इस्तेमाल कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दूसरी रेमेडी कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी रेमेडी में इस्तेमाल करनी है, सबसे पहली चीज है वो है खसखस। दोस्तों इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, 1.5 गिलास दूध ले लेना है। दोस्तों इस दूध के अंदर इसको आपने सिम फ्लेम पर रख देना है, बर्तन में डाल लीजिए और सिम फ्लेम पर गैस के ऊपर रख दीजिए। इसके अंदर हमने आधा चम्मच खसखस डालनी है। खसखस हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, काफी अच्छी है। आपने इसे इसके बारे में काफी जाना होगा, सुना होगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहली चीज इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, ये स्ट्रेस को दूर करती है, बीपी को नॉर्मल रखती है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। उठते बैठते समय अगर आपको तकलीफ होती है तो ये तकलीफ होना बंद हो जाएगी अगर आप खसखस का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। इसके अंदर आपने 2 मुट्ठी भर के आपने डाल देने हैं दोस्तों मखाने, जो फुल मखाने होते हैं उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। इसमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसमें फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में होता है। मखाने हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करते हैं। जिनको नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, कैल्शियम की कमी है, वो सभी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर डाल देने हैं आधी कटोरी के करीब ओट्स। दोस्तों ओट्स का तो एक सबसे बड़ा फायदा आपको बता देती हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारी डायबिटीज को कंट्रोल रखेंगे, हमारे वजन को कंट्रोल रखेंगे, डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेंगे। यानी ओट्स के तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इस तरीके से सेवन करते हैं तो आपको इसके फायदे और भी मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ खसखस और इसको मखाने के साथ इस्तेमाल करना। दोस्तों ओट्स
इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों ये मोटापे को भी दूर करेगा। आप अपनी डाइट में इसे डेली जरूर शामिल कीजिएगा। जब दूध और मखाने और जो ओट्स हैं उसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। ये पावरफुल रेमेडी आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में है। आप चाहें तो इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को हल्दी डालना पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हल्दी डाली ही जाए। दोस्तों ये शरीर के दर्द को दूर करेगी अगर आप हल्दी डाल देंगे। आप इसके अंदर मिठास के लिए गुड़ मिक्स कर सकते हैं, या मिठास के लिए आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। डायबिटीज है तो चीनी नहीं डालें, वैसे चीनी खाना गलत है, लेकिन कुछ मीठा करना चाहते हैं, बच्चों को दे रहे हैं तो आप गुड़ या चीनी डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो रेमेडी तैयार हो गई खसखस मखाने और ओट्स की, ये हड्डियों को मजबूत करेगी। आपका नाश्ता हर सुबह यही होना चाहिए। दोस्तों अर्थराइटिस की समस्या दूर हो जाएगी, माइग्रेन की समस्या हो, कमर दर्द हो, या ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, एसिडिटी आपको बहुत ज्यादा बनती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उन सभी के लिए मेरे कहने पर 15 दिन इस रेमेडी को अजमा लीजिए, आपको इसके फायदे नजर आ जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली थी कि मेथी और पंपकिन सीड का इस्तेमाल कैसे करना है। फायदे मैंने आपको बता दिए थे। आपने क्या करना है, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच पंपकिन सीड को पानी में रात को भिगो देना है और सुबह आपने इसका सेवन कर लेना है। ध्यान रखिए जो मेथी दाने वाला और पंपकिन सीड वाला पानी है आप इसे पी सकते हैं, लेकिन पंपकिन सीड और जो मेथी दाना है इसे खाना बहुत ही जरूरी है। चबा चबा कर अच्छे से खाइएगा। गुनगुने पानी के साथ खाया जा सकता है, इसे गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों की जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर कर देगा। इन सभी समस्याओं के लिए ये रामबाण है, अर्थराइटिस के लिए ये वरदान है, नसों की ब्लॉकेज को ये दूर करता है। ये ऐसी चमत्कारी एक दो चीजें हैं जिनका कॉम्बिनेशन में अगर सेवन किया जाए तो ये बहुत सारी तकलीफों को दूर कर देती है, यहाँ तक कि आपकी जो अंग्रेजी दवाई है एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी छूट जाएगी। एलोपैथिक मेडिसिन के तो बहुत नुकसान है। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यही तक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।